अब हम देखेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो पहले मैं बता चुकी हूँ वीडियो में कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जो मैनी इनपुट्स लेता है और वन आउटपुट उसमें से सिलेक्ट करता है। तो अब यह है 4:1 मल्टीप्लेक्सर, मतलब 4 तो होंगे हमारे इनपुट्स और 1 क्या होगा हमारा आउटपुट होगा। अब 4 इनपुट्स तो ये ले लिया हमने I0, I1, I2 और I3। तो I0, I1, I2 एंड I3 ये क्या हो गए हमारे 4 इनपुट्स हो गए। 1 आउटपुट आएगा, तो ये Y को हमने आउटपुट से रिप्रेजेंट किया और ये क्या बनाया, ये मक्स इसका शॉर्ट नेम होता है। तो ये क्या हो गया हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर। लेकिन इसमें इनमें से कौन सा इनपुट सिलेक्ट किया जाएगा वो कौन डिसाइड करेंगे, सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करेंगी। अब कितनी सिलेक्शन लाइंस बनेंगी, क्योंकि इनपुट्स कितने हैं 4 हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^2। तो ये जो पावर है उसकी वही क्या होता है, सिलेक्शन लाइन होती है। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब हमारी सिलेक्शन लाइन्स भी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो सिलेक्शन लाइंस कितनी ले लेंगे हम, S0 एंड S1, मतलब 2 सिलेक्शन लाइंस यहाँ पे हम। अब हम बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो इसकी ट्रुथ टेबल किस तरह से बनेगी, हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस है S0 एंड S1, तो ये लो ऑर्डर, S0 को यहाँ लिखा और S1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी क्या वैल्यूज हो सकती है, 00, 01, 10 एंड 11, ये वैल्यूज इनकी हो सकती है। अब आउटपुट Y इसी पर बेस्ड रहता है, इन सिलेक्शन लाइंस पर ही बेस्ड होता है। 00 मतलब 0, तो इस केस में I0 सिलेक्ट होगा। जब 01 होता है तो उस केस में क्या सिलेक्ट होगा, I1 सिलेक्ट होगा। जब 10 मतलब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 2, तो I2 सिलेक्ट होगा। 11 मतलब I3 सिलेक्ट होगा। तो ये सिलेक्शन लाइंस ने ये डिसाइड किया कि कौन सा इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट लाइन में जाएगा। अब हम लिखेंगे इसके आउटपुट इक्वेशन। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। अब इस y में हमें या तो I0 मिल सकता है, या I1, या I2, या I3 मिल सकता है। इन चारों में से हमें कोई भी आउटपुट मिल सकता है। तो हमने क्या लिख दिया, या I0 मिल सकता है, या I1, या I2, या I3। अब ये भी किस पर डिपेंड करेंगे, इन 2 सिलेक्शन लाइंस पर डिपेंड करेंगे। अब एक चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू होती है 0 तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, जब उसकी वैल्यू होती है 1 तो हम उसको क्या लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स है S1 और S0। अब यहाँ पर I0 जब मिल रहा है तो हम क्या देखें कि S1 और S0 दोनों की वैल्यू क्या है, 00 है। तो हम क्या लगाएंगे, S1 का भी कॉम्प्लीमेंट और S0 का भी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस लगाएंगे। फिर I1 के केस में क्या है, 01 मतलब S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 एज इट इज। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, 10 मतलब S1 एज इट इज और S0 का कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या है, 11 मतलब S1 S0। तो ये क्या मिल गया हमें, आउटपुट इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ हमने क्या लगाया है, प्लस लगाया है। प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि हमें एट ए टाइम ओनली एक आउटपुट मिलेगा इनमें से, तो हमने क्या लगाया है, यहाँ पर प्लस लगाया है। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। तो अब हम यहां से ले लिया I0, I1, I2, I3, ये क्या ले लिए हमने, इनपुट्स ले लिए। अब सिलेक्शन लाइंस को हम ले लेंगे नीचे, तो ये S1, S0, ये क्या ले लिया हमने, सिलेक्ट। अब पहली टर्म अगर देखें तो उसमें क्या है, I0 और इनके बीच में हमें क्या लगाना है, एंड गेट लगाना है। मतलब ये जो इक्वेशन है SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, तो ये सारी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले हमें क्या लेना है, S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहां से हम ले लेते हैं S1 का कॉम्प्लीमेंट और यहां से ले लेते हैं हम S0 का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें क्या चाहिए, I0 के साथ में S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये हमने ले लिया यहां से इनका कॉम्प्लीमेंट, और इनके बीच में क्या लगेगा, एंड गेट लगेगा। तो ये क्या आ गई हमारी, फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में हमें क्या चाहिए, I1 के साथ में S1 का तो कॉम्प्लीमेंट, तो I1 के साथ में हमने ले लेना है S1 का तो कॉम्प्लीमेंट, और S0 हमें क्या चाहिए, एज इट इज चाहिए। तो ये ले लिया हमने सेकेंड टर्म। फिर थर्ड टर्म में हमें क्या चाहिए, S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें S1 तो I2 के साथ में S1 तो हमें एज इट इज लेना है, और S0 का क्या चाहिए हमें, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया।
और ये क्या हो गया हमारी थर्ड टर्म। फिर फोर्थ टर्म में S1, S0 दोनों ही हमें क्या चाहिए एज इट इज चाहिए, तो I3 के साथ में क्या है S1 और ये S0, तो ये क्या हो गया हमारी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। अब हमें इनके बीच में क्योंकि ये प्लस है तो हमें क्या लगाना है और गेट लगाना है, तो ये हमें लगाना है इनके साथ में और गेट, तो ये क्या हो गया हमारा आउटपुट वाई।